हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सबसे पहले गाइस, कैसे हो आप सब? क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे एक महीने से क्लास नहीं ली है। बट मेरी हेल्थ पहले से अब इम्प्रूव हो रही है और वीकनेस बहुत ज़्यादा है अभी, और सांस लेने में दिक्कत होती है। लाइक बहुत देर तक बोलते रहो, इस वजह से ही क्लास आपकी रीज़न यही है कि नहीं ले पा रही। बट फीवर अभी नहीं आ रहा है एक दो दिन से, तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। ठीक, तो हम लोग रिकवर कर रहे हैं, अब फैमिली थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि सबसे पहले मुझे हुआ था, तो रिकवर भी मैं ही कर रही हूँ अभी। बट क्लासेस मैं आपकी कल परसों से स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली कल से ही स्टार्ट कर दूँगी। CIE हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जिस पर नज़र लग गई, अभी तक हो नहीं पाया, एक दो हफ्ते बीत गए। बट बाकी के रिमेनिंग जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपके कवर करूँगी। और SBI क्लर्क के लिए जो आपका मैंने बैच बोला था स्टार्ट करने को, ठीक है, तो वो एक दो दिन में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देकर उसे भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि 0 to Zenith अर्थमेटिक की जो सीरीज़ है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक्स कराए हैं वो सारी आप लोग कर लो, ठीक है? जिसने नहीं करी वो भी करेगा इसको, जिसको भी मेरे से पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैंने सारे क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट कराए हैं, जो भी आपके टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं YouTube पर, वो भी मैंने वहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ आपको वहाँ पर प्रैक्टिस करवाया है, तो उसे ज़रूर देखें। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आपके कंप्लीट करा दूंगी। बात रहती है DI की, सिलेक्शन बूस्टर सीरीज़, तो वो भी हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब सब अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा बस एक दो दिन और रुको, फिर राजधानी एक्सप्रेस पकड़ते हैं। तो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और जो फॉर्म आपको दिया था उसे फिल कर देना, जो लोग रह गए हैं अभी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप लोग उसे फिल कर देना, ठीक है, हमारे फ्री बैच वाला। अब इसके बाद बात आती है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इस टाइम आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि देखो, हम लोग झेल गए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर यहाँ पर कर रही हूँ कि गाइस देखो, हेल्थ ख़राब होती है तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। मतलब लगता है कि यार, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्थ होती है, ठीक है? इन दिनों ये चीज़ हम लोगों ने महसूस करी, क्योंकि जान है तो जहान है, हर एक चीज़ आप पा सकते हो अगर आप अंदर से ठीक हो। तो अपनी ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का, और कोरोना टाइम में घर पर ही रहो और बाहर जा रहे हो डबल मास्क यूज़ करो, ठीक है? बाकी मैं जो भी मैंने चीज़ें यूज़ करी कोरोना के दौरान, हम लोग घर पर यहाँ पर रहते थे, तो क्या चीज़ें हम लोगों ने खाया पिया या किस हिसाब से घर पर रह के अपना ध्यान रखा, वो सारी चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पॉजिटिव रहिए।